भाई देख रहा है देश में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ गए। अबे क्यों पिछवाड़े के धागे खोल रहा है भाई, भले ही चाइना वालों की पूरी आंख ना खुले पर पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है। अगर इस कोरोना की लगाम हम नहीं पकड़ी तो ये सब की फाड़ेगा, लगता है देश ना बचेगा। पहले लोग कुत्तों को देख के कहते थे कि वैक्सीन लगवाई कि नहीं, कुत्ता। अब इंसानों से पूछते हैं वैक्सीन लगवाई कि नहीं। अम्मा बेटा बाप से कितना ही लंबा हो जाए पर असली खंबा तो दादा ने ही गाड़ा था। अभी क्या बोल रहा है तू? किसके दादा ने क्या गाड़ा था बे? कुछ नहीं पापा, वो बढ़ते कोरोना की न्यूज देख के सब लोग सहम गए। सहम नहीं गए हैं, वहम गए हैं, वहम। अरे न्यूज तो देखो, यूपी और पंजाब की न्यूज क्यों नहीं आ रही भाई? जो इतनी भीड़ वाली रैलियां हो रही हैं, उसके बाद भी कोरोना अपना असर नहीं दिखा रहा? क्योंकि अंकल कोरोना अभी 18 साल का नहीं हुआ, इसलिए चुनावी रैलियों में नहीं जाता। अबे एज रिस्ट्रिक्शन कब से लग गई बे? पापा यूपी और पंजाब में आचार संहिता लग चुकी है, अब रैलियां नहीं की जा सकती वहाँ पे। तुम लोगों का खाना बना दिया है, चुपचाप ठूंस लेना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा? क्यों, कहाँ जा रही हो भाई? कहीं नहीं जा रही, बाजार जा रही हूँ। परसों मेडिकल स्टोर वाले ने चीनी नहीं दी थी। चीनी? वही लेने जा रही हूँ। माँ मेडिकल स्टोर में कहाँ से चीनी मिलती है? मिलती है बेटा, जो मैंने दवाई ली थी उस पे लिखा था शुगर फ्री। अरे जाना है तो जा भाई, तुम औरतों को वैसे भी रोक कौन सकता है, पर कम से कम मास्क तो पहनती जा। अरे पल्लू लपेट तो रखा है। पल्लू? क्यों, कोरोना तेरा जेठ या ससुर है क्या? अब जेठ है कि ससुर मुझे नहीं पता, पर हरकतें तुम्हारी तरह हैं, चिपटने की। देख बकवास मत कर, जाओ जाके अपना काम कर। मैं कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ती, सीधे परसों पे टाल देती हूँ। आराम भी करना होता है भाई। हाँ तेरा आराम और हमारा आराम। और वैसे भी मुझे करीना और कोरोना दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। करीना और कोरोना में फर्क? फर्क है माँ, फर्क है। क्या फर्क है? देखो करीना सिर्फ सैफ को चुबा सकती है और कोरोना सबको। मैंने बहुतों का है चूसा। क्या खून भाभी जी, खून? दुनिया क्या करने आ गए चूसा अंकल? चूसा नहीं बेटा, डिसूजा, डिसूजा। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी बता क्यों आया तू यहाँ? मैं तुम लोगों को सतर्क करने आया हूँ। किस बात के लिए? यही कि कोरोना का नया पोता आया है जो कि बाप और बेटे से ज्यादा खतरनाक है, तो कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आंटी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहा है। मैंने सुना तूने 12वीं पास कर ली है, अब आगे क्या करना है? चूसा अंकल इसे आगे से नहीं पीछे से पसंद है। क्या पसंद है बे? पापा इसका मतलब है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर? इंजेक्शन पीछे से तो लगता है। सही बात है। अरे मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा तेरा टेस्ट बदल गया है, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा खराब है भाई। मेरा घंटा, डॉक्टर बनके तो तू झांट उखाड़ लेगा। अब देख लेना पापा, मैं एक ना एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा, फिर इस कोरोना की दवाई बना के इसको खत्म कर दूंगा। कुछ तो शर्म कर बेटा, कुछ तो शर्म कर। और वो क्यों? जिस कोरोना की वजह से तू रो पीट के पास हुआ है, तू उसको दगा देना चाहता है? अच्छा सुनो, इस महीने से काम वाली को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना। क्यों? क्योंकि उसे गिलोय और तुलसी लानी है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। यहाँ साला खुद की सुरक्षा की तो कोई गारंटी नहीं, इसे काम वाली की पड़ी है। मत दो, फिर तुम ही भुगतोगे। दे दे भाई, दे दे। क्यों? समझाओ भाई। इसलिए भाई कि तू कोरोना से मरे चाहे ना मरे, लेकिन तेरी काम वाली को कुछ हो गया तो तू काम करते करते मर जाएगा।
अच्छा ठीक है भाई, ठीक है बढ़ा दूंगा। क्या पापा इतना क्रिटिकल दौर चल रहा है, पता नहीं किस टाइम फिर से लॉकडाउन लग जाए। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, और वैसे भी इस बार तीसरी लहर आ रही है, पता नहीं कब क्या होगा। बेटा होना क्या है, पहली लहर में स्कूल बंद हो गए, अब दूसरी लहर में बिना पढ़े पास हो गए, खरा लगता है तीसरी लहर में सीधे नौकरी लगेगी। तुम छत पे जाके धूप सेक लो, पूरा मोहल्ला सेक रहा है। क्यों? सुना है इससे इल्लू मनाती बढ़ती है। इल्लू मनाती? हाँ भाई। अबे माँ का मतलब है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। सर्दियों की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है, जरा सा क्या निकली पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तुम नीचे ही मरो, छत पे दिख मत जाना।